हेलो दोस्तों, वेलकम टू पांगिंग ब्यूरो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग का देश में अभी इलेक्शन का मौसम है। हर गली मोहल्ले में इलेक्शन के बारे में ही चर्चा कर रहा है। क्यों ना आज हम भी इसी के बारे में कुछ मेरा यूट्यूब चैनल में चर्चा कर डाले। हाँ दोस्तों, यह चर्चा मेरा कुछ अपना एक्सपीरियंस और मेरा एक्सपीरियंस को ही बता रहा हूँ। दोस्तों, हम लोग का राज्य में लास्ट पंचायत इलेक्शन में हम लोग का घर का भी एक सदस्य वार्ड मेंबर उठने के लिए कोशिश किया था, और उसका बारे में ही अब लोग को बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, हाँ दोस्तों, हम लोग का एक भतीजा मतलब भैया का बेटा वार्ड मेंबर के लिए हम लोग का रूलिंग पार्टी से टिकट मांगा था, लेकिन हम लोग का रूलिंग पार्टी ने हम लोग का भतीजा को टिकट नहीं दिया, और वो उस पार्टी से निकाल कर दूसरा पार्टी में घुस गया, और उस पार्टी से वार्ड मेंबर उठने का निश्चय किया। लेकिन उसका समर्थन वाला पार्टी उस पहले वाला पार्टी में रह गया था, और उसका साथ में सिर्फ उसका एक दोस्त और हम लोग का दो परिवार ही उसको उसका पास में रह गया था। उसके बाद वो नॉमिनेशन फाइल करने लगा, और सब आदमी दूसरा वाला पार्टी में चला जा रहा था, क्योंकि दूसरा वाला पार्टी का MLA बहुत मजबूत मतलब हम लोग का राज्य का रिसेस मैन 2 नंबर में 3 नंबर में आता है। तो हम लोग अभी क्या करेगा? हम भी बाहर में था, हम गांव में नहीं रहता है, हम कुछ नौकरी के खातिर बाहर में रहता हूँ। तो क्या करेगा अभी? धीरे धीरे वो उसका सपोर्टर लोग उस दूसरा वाला पार्टी में चला जा रहा था, क्योंकि वो लोग का पार्टी में वो लोग का मजबूत वाला MLA था, और आपको बताई है इतना मजबूत था कि हम लोग का राज्यों में सबसे 3 नंबर 2 नंबर में वो अमीर आदमी था। तो क्या हम लोग उसको हरा पाएंगे? ऐसा सोच रहा था हम लोग। हाँ दोस्तों, हम लोग लेकिन हार नहीं माना। धीरे 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 करते हमको वो भतीजा ने, भाई का बेटा ने हमको फोन किया जल्दी आने के लिए, घर में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन हम भी नौकरी वाला है, क्योंकि हम डायरेक्ट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं कर पाता था। हमने सोचा हम उसको सांत्वना दिया होगा, हम आ रहा है, देखेगा क्या करना है। उसके बाद जब हम कुछ दिन के लिए घर में आया, तो वो शाम घर में वो मेरा भाई का लड़का आया, और वो रोने लगा। हम पूछा तुम क्यों रो रहा है? तब तो उसने हमको बताया सारा का सारा बात, ऐसा ऐसा बात है। और उसका जो हम लोग का दूसरा वाला भैया का एक तो लड़का था, वो भी दूसरा वाला पार्टी में चला गया उसको साथ चढ़कर। उसका साथ में सिर्फ अभी रहा उसका जो प्रपोजर था और एक हम लोग का बड़ा भैया का एक तो लड़का, सिर्फ 3 आदमी ही रह गया था। तब तो वो पूरा पुट पुट के रोने लगा। लेकिन हम उसको पूछा अब तुम क्या करेगा? तुम इलेक्शन लड़ेगा या अभी विथड्रॉ करेगा और नहीं खेलेगा ना हम लोग का वो दूसरा MLA का पार्टी के में हम लोग मिल जाएगा? तब तो उसने बोला हम हारने से भी हारेगा, जीतने से भी जीतेगा, हम इलेक्शन लड़ेगा। और हमने उसका बात को इतना पसंद नहीं किया, और उसका पिताजी को मेरा बड़ा भैया को पूछा क्या करेगा? तब तो बड़ा भैया ने भी बोला पैसा बड़ा नहीं होता है, इज्जत बड़ा होता है। उतर दिया तो हम लोग नदी में
घुस गया है तू, हम लोग नहा के आएगा, हम लोग जरूर खेलेगा और हम लोग दूसरा का पैसा का लालच में हम लोग वापस नहीं जाएगा, बोल के हमको बोला। हमने बहुत अच्छा लगा भैया का बात को और भतीजा का बात को, हम बहुत अच्छा लगा, हमको बहुत सेंटिमेंट लगा। हाँ दोस्तों, ये असली मर्द का बात है। हमने निश्चय किया अब लड़ना पड़ेगा। हमको दूसरा वाला पार्टी ने भी बोला था, तुम अपना भतीजा के लेके आओ, हम लोग आपको जो करना है करेगा। लेकिन हम भी निश्चय कर लिया, क्योंकि मेरा भैया और मेरा भतीजा इतना अच्छा बात बोल रहा है, तब हमने वो लोग का साथ देने का निर्णय ले लिया। हम दूसरा वाला पार्टी को बता दिया कि मेरा भतीजा हार नहीं मान रहा है, इसलिए आप लोग खराब मत पाना, हम उसका साथ में ही रहेगा और उसका साथ देगा। तब वो लोग भी क्या करेगा बोल के सोचा, और हमने उस हम आप लोग को बताइए, हम तो नौकरी वाला है, हम डायरेक्ट इलेक्शन में उतार नहीं सकता है, बात नहीं करता है। तब हम शाम को जब हम गौर में बैठ रहा था, तब दूसरा वाला जो मेरा भतीजा का अगेंस्ट में जो ये उठ रहा था, वह मेरा घर में आने लगा। मामा क्या करेगा, आपका भतीजा भी उठ रहा है, हम भी उठ रहा है, क्या करेगा, आप हमको मदद करने से ठीक है। हमने बोला उसको, ठीक है, हम तो अभी आया ही है, किसको मदद करना नहीं करना हम देखेगा, और हम लोग का वार्ड में जो आदमी लोग है वो लोग जैसा चाहेगा वैसा ही होगा, वो लोग को हम थोड़ा परामर्श लेता है लेगा, बोल के हमने उसको बोला। उसके बाद वो भी अच्छा पाया, हमको खराब नहीं पाया, हम अच्छा से उसको बता दिया। उसी समय मेरा आगे में मदद किया वाला पहले वाला मेंबर जो वो पहले वो टिकट नहीं आगे में हम उसको मदद करके रखा था, उस जब उसका वो भी जो कॉन्टेस्टिंग कर रहा था वो भी बैठा था, एक फोन आया, मामा घर आया है क्या बोल के, हाँ हम घर आ गया बोले, हम शाम को आएगा, और दूसरा वाला शाम को आएगा बोला है, तब आना है आओ बोला है। तो उसके बाद वो लड़का चला गया जो मेरा भतीजा के अगेंस्ट में कॉन्टेस्टिंग कर रहा था, और जो हमको मामा आएगा बोल के बोलने वाला लड़का वो ये में नेक्स्ट ये में नाइट में आया, मतलब शाम को, और वो तो डायरेक्ट हमको बोला, मामा हम आप लोग का साथ में हैं, हम लोग आपका भतीजा को सपोर्ट करेगा, आप चिंता नहीं करना है। अरे हम तो बहुत खुशी होगा, क्योंकि हम उसका घर में गया भी नहीं है और उसको हम बोला भी नहीं है कि मेरा भतीजा को वो सपोर्ट करने के लिए। तब हम बहुत खुशी से मेरा एनकरेज हो गया और हमने भतीजा को बोला, चिंता मत करो, आप हम जैसा बोलता है हम तो बाहर में कंप्लेन नहीं कर सकता है, हम जैसा बोलता है आप करते जाओ, हर हर घर में जाके आपका बात बताओ और मेरा बात बताओ। हम मेरा ये अंकुल ने अब लोग को पहले कितना मदद किया था, सहायता किया था अब लोग का इलेक्शन उठते समय, वो लोग को याद दिला दो और वो लोग हमको जैसे भी तुमको सपोर्ट करेगा। हाँ हम लोग तो पैसा वाला का पार्टी में वो लोग को पैसा दे के हम लोग को खरीदने नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग तो गरीब आदमी है, वो MLA का बराबर हम लोग तो करने नहीं सकेगा, इसलिए हम उसको हाथ जोड़ने के लिए हर वार्ड में हर घर में उसको बेच दिया। वो मेरा भतीजा वैसे ही किया और धीरे 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 वो आदमी लोग कुछ हमको मेरा घर में वो लोग मुलाकात करने आ गया, और वो लोग ने बोला हम हमसे परामर्श लिया क्या करेगा क्या नहीं करेगा। हमने उन लोग को इतना ही बोला, आप लोग जो सोचता है वही करो, क्योंकि आप लोग का इलेक्शन का समय में आप लोग जब कैंडिडेट उठाता तब हम तो आप लोग को पूरा बिना कुछ प्रलोभन लिए पैसा लिए बा कुछ मदद नहीं मांग के हम आप लोग को मदद किया। अभी हम लोग का भतीजा उठ रहा है, आप लोग सकने से उसको मदद कर सकता है, लेकिन हम आप लोग को जबरदस्ती नहीं करेगा। लेकिन
वो लोग ने हमने तो किसी का घर में नहीं गया मदद मांगने के, लेकिन कुछ सब वो लोग आ आके हमसे बोला कि हम लोग ज़रूर आपका भतीजा को हम लोग जिताएंगे और आप रिजल्ट में देखिए बोल के। हम भी बहुत खुश हो गया और मेरा भैया और मेरा हम बात करते रहा क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको अपना भतीजा को समझाते गया, वो भी घर घर जाके कैंपेन करने लगा। लेकिन रिजल्ट जब देखा तो हम लोग ने टोटल 100% हम लोग को वार्ड वोटर से हम लोग 70% मिला और जो हम लोग के अगेंस्ट में उठ रहा था वो लोग 30% मिला, वो हार गया। इसलिए दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि कोई लोग बोलता है इलेक्शन में दूसरों को खरीदना पड़ता है, उस समय से हमको मालूम चल गया कि हाँ कभी कभी पैसा का भी ज़रूरत होता है, लेकिन अगर आप हिम्मत और साहस और अपना अपना ये दोस्तों को या अपना एरिया को अपना ये वार्ड में अपना आदमी लोग को कैसा आप पहले मदद किया था और आप कैसा साल चलन कर रहा है और उसमें बहुत निर्भर होता है। सिर्फ आप दूसरों को पैसा से खरीद के आपको बूट नहीं मिल सकता है, बिना पैसा से भी आप आपका बूट भी जीता सकता है, मेरा अनुमान से ऐसा होता है। इसलिए दोस्तों कभी भी हार नहीं मानना है, सिर्फ पैसा से बूट नहीं मिलता है, ऐसा भी आदमी है जो बिना पैसा से आपको बूट देने का दिल करता है। कोई लोग तो कुछ लालच होता ही है इलेक्शन में बा ये में हर चीज़ में लालच तो होता ही, लेकिन ये बात नहीं बोलना है कि सब आदमी ऐसा है, कोई कोई लोग आपको बिना पैसा से भी आपको सपोर्ट करता है। हम लोग का बात कोई देखिए, हम लोग तो दूसरा का अगेंस्ट में तो जो हम लोग के अगेंस्ट में उठ रहा था उसका बराबर हम लोग तो कुछ भी नहीं है करने नहीं सकता था, लेकिन जब हम लोग का रिजल्ट निकला तो ऐसा हम लोग का रिजल्ट आशा भी नहीं कर रहा था कि ऐसा हम लोग को वार्ड में जिताया है। और अभी भी हम उन वार्ड ये में जो जो हम लोग को वोट दिया था हम लोग का भतीजा को, उसको हम लोग मैनी मैनी थैंक्स कहता हूँ, जिंदगी भर याद रहेगा। क्योंकि सब पैसा ही सब कुछ नहीं है, कभी कभी बिना पैसा के ही काम चलता है, अपना रिश्तेदार लोग अपना दोस्त लोग सपोर्ट करने से आपको जीत सकता है। हाँ दोस्तों, इसलिए हर इंसान को आप पैसा से खरीद सकते हैं या बिक जाता है ऐसा मत सोचो, लेकिन कोशिश करना है, घर में बैठ के सोचने से नहीं होगा, बाहर निकल के कोशिश करना है। हर घर में जाइए, हर गली में जाइए, अपना दुख सुनाइए क्या करना है क्या नहीं करना है, और आपको ऐसा करने से कभी आपका जीत से आपको वंचित नहीं करता है। मेरा आशा है आप ऐसा ही करेगा और आप जीतेगा। जो भी हो नया कैंडिडेट इलेक्शन में जो उतार रहा है और जीतने का दिल कर रहा है, आप ये मेरा वीडियो के देख के बहुत उत्साहित होगा, क्यों ना इस मोटिवेशन को आप लोग सही से लेके आप इलेक्शन लड़े। और मेरा भगवान से आशा है आप लोग इस मोटिवेशन को पढ़कर सुनकर देखकर कुछ उत्साहित होगा और दिल में जो आशंका है पैसा वाला ही इलेक्शन में जीतता है बोल के सोचता है, ऐसा नहीं, कुछ तो लालच होने वाला आदमी भी है, लेकिन सब आदमी ऐसा नहीं होता है। हाँ दोस्तों, और एक बार इस वीडियो से मेरा वार्ड में जो जो हम लोग को वोट दिया था वो लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ये वीडियो देख रहा है, अगर मेरे वीडियो को अगर आप लोग अच्छा लगा है तो ज़रूर मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना और ये अपना दोस्तों को शेयर कर देना। और जो नया कैंडिडेट अभी उठ रहा है उन लोग को ज़रूर यह वीडियो पहुंचा देना, कुछ उसको मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि अच्छा नेता मिलने से हम लोग के लिए ही ठीक है, हम लोग का देश के लिए ठीक है, हम लोग के एरिया के लिए ठीक है। हाँ, कोई रूलिंग टिकट मिलने से भी कोई अच्छा नेता नहीं हो सकता है, नहीं मिलने वाला भी अच्छा नेता हो सकता है। इसलिए आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा बोल के सोच रहा हूँ। और ज़रूर ज़रूर दोस्तों मेरा वीडियो को जो जो देख रहा है वो वीडियो आप लोग को जो कैंडिडेट नया उठ रहा है उन लोग के लिए उन लोग को पहुँचा देना। थैंक यू, आपका साथी पांगिंग बीरो।
अगर यह वीडियो अच्छा बहुत व्यूअर्स या सब्सक्राइबर मिलने से, और नेक्स्ट वीडियो हम इलेक्शन के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।